जी हाँ दोस्तों, आपको वो मोमेंट तो याद होगा महेंद्र सिंह धोनी का, जब राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ इनका मुकाबला चल रहा था। बैन स्टॉक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन एम्पायर के एक ख़राब फैसले के चलते जो महेंद्र सिंह धोनी मैदान से बाहर पवेलियन में बैठे थे, वो एम्पायर के उस फैसले को सही साबित करने के लिए मैदान के अंदर आ गए थे और एम्पायर के उस गलत निर्णय को लेकर उनको भला बुरा सुनाते हुए नजर आए थे मैदान के बीचों बीच। हमने वो देखा था कि महेंद्र सिंह धोनी का एक अलग ही रूप देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, जहां बीता मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 16 रनों से मात दी चेन्नई सुपर किंग्स को। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जहां हार गई, लेकिन मैच के दौरान हमें एक बार फिर से वही मोमेंट देखने को मिला जहां महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर से मन ही मन महेंद्र सिंह धोनी को एम्पायर पे काफ़ी गुस्सा आया होगा उनके ख़राब फैसले के चलते, जिसमें हमें देखने को मिला कि सामने बल्लेबाजी कर रहे थे टॉम करन, गेंदबाजी कर रहे थे दीपक चहर। दीपक चहर की गेंद जाके लगती है टॉम करन के थाई पेड से और जाती सीधा महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स पे वन बाउंस में, यानी कि एक टप्पा खा के उनके ग्लव्स में जाती है। लेकिन तब मूवमेंट ऐसा था कि एम्पायर को लगा कि उनके बल्ले से लग के गेंद गई है और महेंद्र सिंह धोनी ने कैच सीधी पकड़ ली है, तो एम्पायर ने पहले आउट का इशारा किया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपना रिव्यू ले लिया था, तो उनका रिव्यू, उनके पास रिव्यू था नहीं, तो ऐसे में टॉम करन, उनको जो पता था कि उनके बल्ले से गेंद टच तक नहीं हुई है, उनके थाई पैड को छू कर गई है, तो वो रिव्यू लेना चाहते थे लेकिन रिव्यू था नहीं। तो महेंद्र सिंह धोनी की टीम को एक जहां पर विकेट मिल गई थी, लेकिन तभी ना जाने ऐसा क्या हुआ और किसने ऐसा रिव्यू लिया जिसमें ये बात सामने निकल कर आई कि वो गेंद तो थाई पैड से लगी गई थी। जी हाँ दोस्तों, उस मोमेंट पर यह नहीं पता चला कि रिव्यू किसने लिया, क्योंकि अचानक से पहले ब्रेक आता है, फिर उसके बाद फिर से मैच शुरू होता है, फिर हम देखते हैं कि रिव्यू चल रहा होता है और टॉम करन को नॉट आउट साबित कर दिया जाता है, जिससे महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पे थोड़े से हमें निराशा के भाव देखने को मिले एम्पायर के गलत डिसीजन के चलते। क्योंकि जब अंपायर ने पहले आउट दे दिया, फिर उसके बाद जाके अपने सेकंड अंपायर जो मैदान पर थे उनसे जाके थोड़ी चर्चा की, चर्चा करने के बाद उन्होंने फिर जिस प्रकार से देखा कि महेंद्र सिंह धोनी उनके इस फैसले से निराश थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जिस प्रकार से इशारे और जो बातें कर रहे थे, अगर उनको पढ़ा जाए तो देखने में यही लग रहा था कि वो कह रहे थे कि अगर आपको पहले ये लग रहा था कि आउट नहीं है तो आप पहले भी रिव्यू ले सकते थे, जहाँ पर थर्ड एम्पायर की मदद ले सकते थे, लेकिन आपने आउट क्यों कहा। तो महेंद्र सिंह धोनी एम्पायर के इसी फैसले पर थोड़े बहुत निराश होते हुए दिखाई दिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस साल देखा जाए तो अभी चौथा ही मुकाबला हुआ है और एम्पायरिंग को लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब में उस एक रन को लेकर अभी तक सवाल कई खड़े किए गए एम्पायर पे। तो इस मुकाबले में भी हमें यही देखने को मिला कि जब आउट आपने दे दिया तो आप अपना डिसीजन चेंज करके ना जाने रिव्यू कैसे आ गया और टॉम करन को नॉट आउट साबित किया गया। भले से ही वो मोमेंट इतना खास नहीं था, क्योंकि टॉम करन एक गेंदबाज हैं, ना कि फुल टाइम बल्लेबाज, जो उनकी विकेट काफ़ी अहम हो, लेकिन उनके बाद जब जोफ्रा आर्चर और बाकी प्लेयर्स थे उनको लेकर जब टीम आई तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, तो वो मोमेंट काफ़ी खास था जब महेंद्र सिंह धोनी के हाव भाव ये साफ बता रहे थे कि एम्पायर के इस फैसले से वो निराश हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि एम्पायरिंग इस साल ख़राब हो रही है या नहीं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जिस प्रकार से अपने हर उस भाव को रखते हैं जो उनके मन में होता है, ताकि सामने वाला ये समझ सके कि सच्चाई के लिए आप हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करें। भले से ही महेंद्र सिंह धोनी को इस बात का अंदाज़ा था कि वन बाउंस टिप्पे में उनके हाथ में आई है गेंद और वो विकेट नहीं है, लेकिन जब एम्पायर ने आउट दे दिया तो दीपक चहर की हंसी और महेंद्र सिंह धोनी की हंसी ये बता रही थी कि टॉम करन आउट नहीं थे। शायद इसी हंसी को देखते हुए एम्पायर ने अपना डिसीजन चेंज करते हुए रिव्यू लिया और फिर टॉम करन नॉट आउट साबित हुए। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।